बहुत शुक्रिया। देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से बोलूँगा, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, बहुत ही कमाल सॉन्ग है, गाया अंकित तिवारी सर ने है, उनकी आवाज़ का कौन फ़ैन नहीं है, मैं भी फ़ैन हूँ, उनके बहुत सारे गाने हैं, सुन रहा है ना तू, एंड बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, आप सबको भी उतने पसंद होंगे। और जब मुझे पता चला कि उनकी आवाज़ में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है तो बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ मैं इस बात को, बहुत ही बखूबी बहुत ही खूबसूरती से इसको गाया है, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं एंड म्यूज़िक कंपोजिशन बहुत अच्छा है, ओवरऑल पैकेज बहुत अच्छा है, इस वजह से परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा निकल के आया है और आप सबको पसंद आ रहा है, इस बात की खुशी है। ये हो जाता है बस किसी तरीके से, बस मुझे ये पता है कि सुबह 6:30 बजे उठना है एंड देन उसके बाद जाके पूरा दिन यहाँ पे निकालना है, कभी शो होता है, कभी प्रमोशन होता है, कभी सॉन्ग शूट होता है, एंड यस मेरा जो प्रोडक्शन है फ्रेम्स वो बहुत मुझे इस चीज़ को लेके कॉपरेट करता है, वो भी बहुत खुश होते हैं कि अच्छा सर हमारे इससे भी कहीं ना कहीं हमारे शो का भी प्रमोशन होगा कि आप गा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें बहुत मैनेज कर लेते हैं। आज जैसे मैंने उनसे बोला कि आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे एडजस्टमेंट चाहिए, शाम को मुझे जल्दी छोड़ देना, तो उन्होंने मुझे ऑफ दे दिया कि सर आप दिन भर आराम करो एंड देन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओ, तो चीज़ें हो जाती हैं। एंड यस मेहनत करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ खुद को कि वक्त जो है मेरे पास नहीं है, और मैं इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि मैं ऐसे ही बिजी रहूँ, जो भी काम करते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं वो लाइफ में इतने बिजी रहें कि उनको ऐसे ही घूमने का, ऐसे ही बैठने का वक्त मिले, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और बस थैंक यू। हाँ वो हाँ। नहीं, मुझे डेफिनेटली प्रमोशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि बिना उसके आई थिंक आई चीज़ें नहीं होती हैं। एंड यस आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें इजी भी हो गई हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास ट्विटर है, आप एक पोस्ट डालते हो, आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उन तक वो सीधे एक क्लिक में वो सारी चीज़ें उनके पास तक पहुँच जाती हैं। एंड यस फिर आप लोग हैं, आप सब लोग यहाँ पे आते हैं तो आप सब लोग वक्त निकाल के आते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उस चीज़ को हम भी आपके लिए वक्त निकालें, क्योंकि घूम फिर के आप हमारी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, फिर चाहे वो गाना हो, फिर चाहे वो शो हो, आप शो पे भी आते हैं, वहाँ कई देर बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि हम कब फ्री होंगे, चीज़ें होंगे, तो आई थिंक ये प्रमोशन का भी एक अलग ही मज़ा है। यस टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि एक ही सवाल बार बार आपको हर एक चैनल का आपको एक ही सवाल देना पड़ता है, गाना कैसा लगा, कैसे बोलेंगे, बट कोई नहीं, मज़ा आता है। हाँ जब मुझे कभी भी कोई भी ऐसा गाना लगेगा कि ये दीपिका के साथ मुझे करना चाहिए तो मैं डेफिनेटली मैं करूँगा, और बहुत जल्द हम एक गाना प्लान कर रहे हैं, बट अभी वो कितना चीज़ें हो पाती है नहीं हो पाती वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। बट राजवीर ने एक सॉन्ग हमें जो है वो सोल म्यूज़िक स्टूडियो का ही उसने हमें एक ऑफ़र किया है, बट उसके लिए थोड़ा सा वक्त है अभी। ऑडियंस को यही कि भाई सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार दे रहे हो आप गाने को, और अब तक जो भी हम लोगों ने किया आपने सबको, आप सब ने उन सारी चीज़ों को बहुत प्यार दिया है, दिल से प्यार दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा बोलता हूँ आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम नहीं हैं कुछ, तो ऐसे ही प्यार करते रहिए और हम आपको ऐसे एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें, फिर चाहे वो शो हो, शो में भी बहुत कुछ आने वाला है, फिर चाहे वो सॉन्ग्स हो, फिर चाहे वो व्लॉग्स हो, वो इंशाल्लाह आपके पास ऐसे ही आते रहेंगे, और दिल से दुआ निकलती है आप सबके लिए, अल्लाह आप सबको खुश रखें।